एतद् द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायाधिपति श्री राजेश कुमार को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता हूँ। भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में आज सन 2019 ईस्वी के दिसंबर मास के 10वें दिन 9 अग्रहायन 1941 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। एंड आई फर्दर हम्बली रिक्वेस्ट दैट योर टेकिंग सेरेमनी इज प्रोसीडिंग ऑफ द फुल कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। सो मैं राजेश कुमार, जो झारखंड उच्च न्यायालय रांची का न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ Having been appointed as a judge of High Court of Jharkhand at Ranchi. देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्य की संपूर्ण जनता को इस बात की बधाई देता हूँ कि हमारे न्यायालय को 3 परमानेंट जज मिले हैं। यहाँ पे वैसे ही न्याय अब सुलभ, मैं समझता हूँ, है, और भी सुलभ हो जाएगा। और न्यायाधीशों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पर एक बड़ा दिन है, एक नया साल आने वाला है और खुशी पहले से ही मिल रही है। कुल मिलाकर के जजेस की संख्या अभी हमारे यहाँ 17 है। माननीय मुख्य न्यायाधीश भी आए हैं नए नए, 3-4 वैकेंसी तो रहती है हर एक न्यायालय में, बट अभी वर्तमान में हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं अब तक जो रहा है। देखिए, हमारे राज्य में केसेस इतने ज़्यादा लंबित नहीं हैं। पूर्व में ज़रूर वैकेंसीज थी और मामले जो है वो धीरे धीरे सुनवाई होते रहे, परंतु हमारे यहाँ अभी वर्तमान में स्थिति है कि सरकार ने भी अच्छा काम किया है और फाइलिंग काफ़ी कम हुई है। लगभग 7,000 के आसपास रिट एप्लीकेशंस फाइल हुई है। क्रिमिनल के मैटर्स, सिविल के मैटर्स उतनी संख्या में नहीं है जो समस्या अन्य राज्यों में है। वैकेंसीज की भी हालत हमारे यहाँ वैसी नहीं है जो आमतौर पे अन्य राज्यों की है। हमारे यहाँ वैकेंसी अब 3-4 की बची है 25 के स्ट्रेंथ में, और मैं समझता हूँ कि जितना काम है उसके मुताबिक सब कुछ सही चल रहा है हमारे यहाँ।